हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाली हूँ मैं फ़ीमेल मास्टरबेशन के बारे में। जी हाँ, ये फीमेल के लिए क्यों साइड इफ़ेक्ट का और कब साइड इफ़ेक्ट का कारण बनता है। हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस मास्टरबेशन इज़ हेल्दी। मास्टरबेशन हमारे लिए हेल्दी है, और चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, किसी के लिए भी मास्टरबेशन हेल्दी होता है। पर एक चीज़ बहुत जाननी ज़रूरी है कि हेल्दी तो हमारे लिए खाना भी होता है। हम ना खाएंगे तो मर जाएंगे, पर वह भी अगर हमारे लिए एक्सेसिव हो तो वही हमारी मौत का कारण बनता है। आप अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो फूड पॉइजन की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस करते हो। ठीक वैसे ही ये हेल्दी होने के साथ साथ इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं जो बॉडी में क्रिएट होते हैं। अगर इसकी आदत लग जाए आपको, लत लग जाए आपको, ये आपके लिए एक एडिक्शन का कारण बन जाए और एक्सेसिव आप इसका इस्तेमाल करो तो ये भी आपके लिए साइड इफ़ेक्ट होता है। और आज बात करने वाली हूँ फीमेल्स के बारे में। आज के डेट में 95% मेल और 88% फीमेल मास्टरबेशन करती है। बॉडी में एक सेक्सुअल डिज़ायर आती है जो आज के जेनरेशन की लड़कियाँ भी इसको रोक नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती और ओवरकम नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा अभी कल्चर ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुकी है सब कुछ। तो इसी वजह से लड़कियाँ अभी पीछे नहीं हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, और इसी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाती और सेल्फ स्टिमुलेशन के ज़रिए अपने आप को सेक्सुअल प्लेजर देती है। और इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड हार्मलेस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब एक फ़ीमेल मास्टरबेशन करती है या फिर एक मेल मास्टरबेशन करता है तो उस टाइम पे उनके बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके ब्रेन से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक ऑक्सीटॉक्सिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो उन्हें अच्छा फील करता है, हैप्पी फील करवाता है। पर ये हार्मोन्स तब भी रिलीज होते हैं जब आप कोई टेस्टी खाना खाते हो, अच्छा गाना सुनते हो, जब आप कोई अच्छा सेंट यानी कोई अच्छी सी महक आपको मिलती है ना, तो उसी के ऐसे आप कोई महक लेते हो ना, तो उसके दौरान भी आपके ब्रेन से वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। पर ये अच्छा फील करवाने की बात तब तक ही रहती है जब ये इसकी एक लिमिटेशन हो, क्योंकि कुछ भी लिमिट से बाहर तो हार्मफुल ही है। तो आज मैं वही बात करने वाली हूँ कि यही जो हमारे लिए हार्मलेस बन जाती है, यही जब हमारे लिए अच्छी बनती है, ये कब हमारे लिए नुकसान बन जाती है, कब ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक बन जाती है, साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, वही आज इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट होता है उनके बॉडी में वो है लॉस ऑफ सेक्सुअल सेंसिटिविटी। जब उन्हें सेल्फ मास्टरबेशन की लत लग जाती है, सेल्फ स्टिमुलेशन की आदत हो जाती है, तब वो दूसरे से वो सेंसेशन महसूस करते ही नहीं हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हमेशा लगता है कि वो नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा यही फीलिंग्स होती है कि आई एम द बेस्ट फॉर दिस, और वो पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पॉइंट नंबर टू, वेरी हार्ड टू रीच ऑर्गाज्म ड्यूरिंग सेक्स। जब वो किसी पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ जब वो फिज़िकल होते हैं, तो जो ऑर्गेज़म लेवल होता है उस लेवल तक पहुंचने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने कहा कि उनको सेल्फ स्टिमुलेशन की आदत होती है, तो वो किसी और के ज़रिए उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, काफ़ी दिक्कत होती है उनको। और ये कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में एक बहुत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है उनके रिलेशनशिप में। बहुत बार दूरियां बन जाती है, बहुत बार मनमुटाव पैदा हो जाते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। उनके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, वो अपना पूरा कोशिश कर रहा है, पर प्रॉब्लम हो जाती है उस फीमेल्स में, आप में वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाते हो, क्योंकि बार बार जब आपको वो फीलिंग्स आती नहीं है, बार बार जब आप वो फील ही नहीं कर पाते हो, बार बार जब आपको वो उस लेवल तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और फिर उसी चीज़ से बार बार आपको डिससेटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी साइड इफ़ेक्ट होती है। पॉइंट नंबर फोर, जब उन्हें अपने पार्टनर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जब उन्हें अपने पार्टनर से प्रॉब्लम होती है, तब वो सेल्फ प्लेजर को ही अपना मेन हथियार बनाते हैं और इससे और ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं।
तब वो अपने पार्टनर से दूर होते जाते हैं और इसके क्लोज होते जाते हैं, जो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि जब उनके पार्टनर में कोई गलती नहीं है, उनके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब उनमें प्रॉब्लम होती है ना, वो ना तो अपने पार्टनर को समझा पाते हैं कि क्यों उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ना तो वो इस चीज़ को अपने पार्टनर को रियलाइज़ करवा पाते हैं, और इसी वजह से उनके और उनके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस पैदा हो जाती है। और ये फीमेल जो है वो अपने पार्टनर क्या कोई भी पार्टनर से उनको मतलब कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने पार्टनर से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम खुद से हैं, जिस वजह से वो चाहे किसी के भी साथ हो उन्हें कभी भी सुख नहीं मिलता, इसी वजह से वो खुश रहे ही नहीं पाते। ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, कभी कभार ये एक मेंटल कंडीशन भी बन जाती है जिनको इसकी बुरी तरीके से आदत लग जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम लड़कों के साथ ही हो, ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम लड़के ही फेस करे, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो लड़कियां भी फेस करती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो आदत अच्छी होती है वही आदत अगर आदत के ऊपर बन जा के लत बन जाए, एडिक्शन बन जाए, तो वही आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो ख़तरनाक है। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे दौर से गुजर रही है, तो उनको हेल्प करो, उनके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट करो ताकि वो आपको खुल के बता सके कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। अगर आपको कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है तो उनके साथ कंसल्ट करो, और हो सके तो एक अच्छे से काउंसलर के साथ कंसल्ट करो जो आपको सही रास्ता बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।